नवीन कुमार जी, आपकी ओपिनियन में आपको क्या लगता है गलती किस तरफ से हुई है, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से? क्योंकि आपने कहा कि अगर गलती होगी अपना अपना पक्ष तो सुप्रीम माफ कीजिएगा हाई कोर्ट में रखा जाएगा, लेकिन अपने अपने पक्ष के दौरान ये बताना होगा कि आपने क्या इन्फॉर्म किया था या नहीं किया था। अगर पंजाब पुलिस अचानक ही पहुंची दिल्ली में कार्रवाई करने को लेकर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, तो किसकी गलती होगी? नेचुरली वही मैं पहले भी बोला था, प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टिया जो अखबारों को पढ़ के और आपके न्यूज चैनल को देख के लगता है जी, कि चूंकि पंजाब पुलिस ने दो चीज नहीं किया, एक तो कि उन्होंने कोई वहां से वारंट लेके नहीं आया कोर्ट का अरेस्ट वारंट, दूसरा ये कि यहाँ के लोकल पुलिस को या लोकल अथॉरिटीज को या कोर्ट को कोई ये नहीं किया, रादर तीसरा ये कि उन्होंने कोई ट्रांजिट रिमांड भी नहीं लिया है। तो ये तीन चीजें तो एकदम से ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसी लगती है कि ये गलत हुआ है, तो पंजाब पुलिस को जो है इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोर्ट में, और जो भी कहेंगे वो उस पर कोर्ट क्या निर्णय लेगी ये कोर्ट का ही है जी, ये कंटेम्पलेट करना अभी ठीक नहीं होगा। जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, तो दिल्ली पुलिस ने एक कोर्ट द्वारका कोर्ट के उसके ऑर्डर के आधार पर कार्रवाई किया है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस पे अभी उतना सीरियस उंगली नहीं उठ रही है जितना कि पंजाब पे उठ रही है। ABP News, आपको रखे आगे।